हम जहाँ पे खड़े हैं ये पश्चिम की दिशा का एरिया है। अब आप अगर देखेंगे तो देखिए अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं है, ये पूरा ग्राउंड है। ये मूसा बाग के जंगल के नाम से भी जाना जाता है। जंगल को काट करके इस ज़मीन में एक कॉलोनियाँ बसाई गई हैं, बसंत कुंज कॉलोनी के नाम से ये एरिया है। दरअसल आपको बता दें यहाँ पे आने का मेन मकसद ये है कि यहाँ पे अकबर नगर के जो लोग हैं उनको यहाँ पर रहने के लिए दिया है, और शिकायत बहुत ज़्यादा लोगों के सुनने में ये आ रही थी। यहाँ पे अभी पूरी तरह से तैयारियाँ नहीं की गई हैं। जिस तरह से जब सरकार कॉलोनी देती है पूरी तरह से उसको तैयार कर दिया जाता है, परिवार वालों को ना पानी की, ना बिजली की, ना रोड की व्यवस्था की, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन यहाँ पे लोगों का आरोप ये है कि लगातार यहाँ सारी कमियाँ हैं। तो हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। ये मेरे पीछे आपने देखा है, ये पूरा एक मैदान में तब्दील है। अब हम बसंत कुंज कॉलोनी की तरफ आ गए हैं। ये कॉलोनी देखिए, यहाँ पे अभी काम चल रहा है, ये पूरी बिल्डिंग में इस एरिया में काम चल रहा है। ये हम ब्लॉक 38 पे खड़े हुए हैं, और इस ब्लॉक में देखिए कि रोड भी सही से नहीं बनी है, लोगों के कारोबारों में भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, लगातार शिकायतें मिल रही हैं मकानों में। इस कॉलोनी में देखिए सीलन, लगातार सीलन जो है अभी जबकि नया बना है, पूरी सीलन इसमें आ रही है नीचे ग्राउंड में। बाथरूम चोक कर रहे हैं, लाइट की भी दिक्कत यहाँ पे बताई जा रही है। तो देखिए ये जगह जो एरिया आप देख रहे हैं किस तरह से गंदा पड़ा, देखिए ये हालांकि चलने वाला रास्ता है, कितना गंदा पड़ा हुआ है। और ये कॉलोनी अभी तैयार की जा रही है, बाकी कुछ लोगों को रहने के लिए दे दिया है। ये पूरा एक एरिया है, ये बिल्डिंग देखिए, ये बिल्डिंग अभी तैयार हो रही है, ये मकान तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे कौन आके बसता है, कौन रह रहा है, कुल मिला के पूरे एरिया में काम चल रहा है। तो इसी के ताल्लुक से चलिए हम लोगों से सवाल करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि आखिर लोगों को और क्या क्या समस्या हो रही है, तकलीफ है इनको। अम्मा को क्या तकलीफ? अम्मा अकबर नगर के हैं, बताइए तकलीफ, बताइए अम्मा क्या तकलीफ हो रही है। रोने सब क्या होगा, अब सरकार को जो करना था उसने तो कर ही लिया है। कुछ खाए मिले न, कुछ भी नहीं है, कहा खाए जी, हमारी जिंदगी है, मर जाइए चली जाइए, अब जो कुछ करे खो तो उन कर ले, और हम कहा बता दी ले तो मर कर भगाई नहीं की। तीन दिन पर आप आई है तब यहाँ खाना खावा है, अरे तो उनके बाल बच्चे नहीं है, सामान बचा रहा है तो हम काला ले गए हुए। और जो बिटिया है हमारी, दो तीन बिटिया है, सब कोठी करत है, बत्ती अपना किरावा महंगा है, कहाँ से ला के दे। आपसे भी पैसे लिए गए, सरकार ने पैसे लिए हैं, मतलब वो कॉलोनी बदले में दे रहे हैं। हाँ तो पैसे लिए दिन है, हजार हजार रुपया लिया। माँ जी ये बताइए, अब आपका कारोबार तो बंद हो गया है, अब ये कारोबार चलेगा नहीं तो आप पैसे कैसे देंगे, किस्त कैसे देंगे आप? तो आखिरी भाग दे, घर में और कोई नहीं कमाने वाला? हमरे कोई नहीं, बस धीरे धीरे चार पांच छोटी है, हमरे कोई नहीं। खाली आपकी चार बेटियां हैं, पांच बेटियां आपकी, क्या समस्या है? ये पानी देखिए सब बह रहा, सब पानी और ये दिखे चिटक रहा है, सब चीज़ ये चीज़ जो कमी है सब पूरी नहीं हो रही है। इसमें 10 चक्कर जाओ कंप्लेंट डालने, तब एक दर आते हैं 2 मिनट के लिए सही करते हैं, फिर भाग जाते हैं वो, ना लाइट पंखा जो कुछ जो है 10 चक्कर, मतलब जब तक कंप्लेंट जाता है 3-4 उनको पीछे लगोगे नहीं तब तक वो सही होती ही नहीं। और ये चीज़ बह रही है तो हम लोग की जिम्मेदारी है कि वो उन लोग की है, पैसा वो लोग ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं पैसा उन लोग से, ये चीज़ सब सही करो। ये सामान किसका रखा है? ये सब हम बिलाकी लोग के हैं, बिलाक में जो रहने हैं उसी, मतलब इतनी जगह नहीं कि सामान भी आज, इतनी जगह नहीं है, इतनी जगह ही क्या, 10x10 का 9.5 का रूम दे रहे हो, उसमें 6 फीट का बेड पड़ जाएगा तो उसमें जगह ही कितनी बच रही है। और ये गड्ढा किस चीज़ का खोदा गया है? नाला का, जरा ये गड्ढा दिखाइए, ये नाले गड्ढा खोदा गया है, अभी तक बनी नहीं है, ये क्या बनेगा इसमें? नाला पानी सीवर वाला पानी ही बहेगा इसमें नाले का, अभी तक कम्प्लीट ही नहीं हुई ना, पत्थर लगा इधर कुछ। कारोबार को लेकर के यहाँ क्या प्लानिंग आ गया आप लोगों की? कारोबार के खाने पीने के लाले लगे हैं, कारोबार की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ दवा ना अस्पताल कुछ है, यहाँ कुछ दिख रहा है, दूर दूर तक जंगल दिख रहा है। और जैसे जो बच्चे पढ़ते थे वहाँ पे, यहाँ कुछ सुविधा नहीं है, सब पढ़ाई सब बंद हो गई है आपकी। तो क्या लगता है आप लोग पीछे चले गए हैं क्या 15-20-25 साल? और क्या, तो पीछे वैसे भी चले गए हैं, जब हाई चीज कोई चीज की सुविधा ही नहीं है यहाँ, तो पीछे तो वैसे ही चले गए हम लोग। मनाते तुम खाली, तुमको चाहिए था तो खाली करवाना था, सब कहीं कम्प्लीट करवा लेते, ओके करवा लेते, तब आते। अभी तो आगे भी लाग में और दिक्कतें हैं हम लोग को, थोड़ी गली में। तो मेन चीज तो यहाँ पे की नेटवर्क की दिक्कत है, यहाँ पे टावर नहीं है, नेटवर्क अंदर रूम में चले जाओ तो कॉल वॉल पे बात नहीं कर सकते आप।
बाहर निकलो तो धूप में खड़े होके किसी का कॉलर है तब पता चलता है। यहाँ पे सबसे मेन तो यही है, मतलब हर चीज की परेशानी हो रही है। कहीं बाथरूम, कहीं ये, कहीं लैट्रिन, सबको दिक्कत बहुत समस्या है, छोटे हैं परेशान। और वहाँ पूरी तरीके से अभी यहाँ बनी नहीं, वहाँ से भेज दिया गया। हम लोग को मकान करीब 50 साल से रहा जाता है, तीन तीन पीढ़ी बीत गई है। और यहाँ बहुत कम जगह दिया गया हम लोग को कि रहने के लिए, जिसके 8 परिवार है, 7 परिवार है, वो रह नहीं सकते हैं यहाँ पे। बहुत बड़ी दिक्कत है, हैं। और अभी यहाँ पूरी तरीके से कम्प्लीट नहीं हुई है, पूरी तरीके से कम है, वहाँ से भेज दिया गया कि अकबर नगर जल्दी से गिरा दो, हैं। और मकान जो दिया गया है हम लोग को, तो मकान कोई फ्री ना, वहाँ फ्री बता रहे हैं, लाउड स्पीकर पर ऐलान कर रहे हैं एलडीए वाले कि ये फ्री दिया जा रहा है आपको, और यहाँ पैसा लिया जा रहा है 4,80,000 पैसा लिया जा रहा है, और जो आधारों से है उनका ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, और जो नोटिस का है घर मकान का जो नोटिस आया है उनका 4,80,000 लिया, बोला 5,000 रुपया है। तो बहुत बढ़िया समस्या यहाँ पे, पूरी तरीके से बनी भी नहीं है कॉलोनी। बच्चे यहाँ नहाने जाते हैं, रूम बाथरूम से पानी आ जाता है यहाँ पे, किचन में किचन का पानी यहाँ जाता है, बहुत बड़ी समस्या है, दिक्कत हो रही है यहाँ पे, हैं। और गर्मी से बच्चे सब परेशान है इस समय, इतने सालों से रहा जाता था अकबर नगर में, कोई सरकार ऐसी नहीं थी, मगर ये सरकार जब से आ गई, जब से हम लोग को बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। क्या नाम है आपका? हमारा भैया सलीम नाम है। आप कहाँ रहते थे इससे पहले? अकबर नगर। अकबर नगर में कितने साल से रह रहे थे आप? हम 40 साल से रह रहे थे। 40 साल से रह रहे थे। यहाँ रहने के लिए दे दिया आपको? हाँ दिया है। अच्छा, क्या ज्यादा किस चीज़ की कमी यहाँ लग रही है आपको? कमी है भी तो है, हर तरफ से डेवलप तो है ही नहीं अभी। अब रहने पीने मतलब कोई कमाई जरिया नहीं है यहाँ पर, वो वहाँ था तो कम से कम सब कुछ चलता रहता था, अब यहाँ जाओ तो कम से कम 100 रुपये किराया लगाओ, इधर उधर काम करने जाओ कहाँ होता। अच्छा, इससे पहले आप क्या काम करते थे अकबर नगर? सिलाई करते थे भी हम। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? अब सब्जी लगाए हैं, देखो तो कहाँ लिए। अच्छा, वहाँ सिलाई करते थे, यहाँ सब्जी लगाए हैं? हाँ सब्जी लगाए। अच्छा, आपको क्या लगाया है? आज ही से लगाया आपने, तो क्या इतना बिक जाता है ये सब? अभी कहाँ बिक रहा है, देखो सुबह लाया ना उतरा एक कॉलोनी में, बसंत कुंज कॉलोनी में, जहाँ अकबर नगर के लोगों को यहाँ पे रहने के लिए ये कॉलोनियों में इस बिल्डिंग में मकान दिए गए हैं रहने के लिए। और तमाम लोगों ने शिकायतें भी करी हैं कि जैसे आगे पानी की सुविधाएं कम है और रहने के लिए उनको परेशानी हो रही है, बिजली की यहाँ पे कमी है। हम आपको अगर बताएं तो यहाँ पे जैसे इस तरह की जो दुकानें हैं वो यहाँ पे नहीं है। तो अकबर नगर के जो निवासी जो लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, उन लोगों ने इस तरह के छोटे छोटे कारोबार करना शुरू कर दिया है। इधर इस साइड अगर हम आपको दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे जैसे पान मसाले बिक रहे हैं, सुबह का नाश्ता यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे देखिए खाने पीने की चाय का एक छोटा सा स्टॉल लगा रखा है जिसे 80 स्टॉल बोलते हैं, और यहाँ पे एक रोड है। बाकी आप देखेंगे यहाँ पे अभी पूरा खाली है, पूरा भी ग्राउंड खाली है। यहाँ पे जो योजनाएं हैं वो अभी लगातार चल रही हैं, यहाँ अभी पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं है।